अच्छा डियर व्यूअर्स, आज एक बड़ा ज़बरदस्त मैं ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि किस तरह आपने अपने पेज पर अपनी एक शॉप क्रिएट कर लेनी है। एएम टेक मेरा पेज है और मैं इसको ऑन करता हूँ। अब यहाँ पर हम अपनी एक शॉप क्रिएट करेंगे। दो चार चीज़ें मैं बता देता हूँ। कई बंदों के पेज में तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा ये शॉप का, मैनेज शॉप। कई बंदों के पेज पर ये ऑप्शन नहीं होगा। जिनकी ऑप्शन नहीं होगी वो क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद वो टेम्पलेट्स एंड टैब्स में जाएंगे। टेम्पलेट्स एंड टैब्स में जाने के बाद एडिट करेंगे और शॉपिंग पे ले आएंगे। कईयों का हो सकता है बिजनेस वेन्यू, नॉन प्रॉफिट या कहीं भी कुछ भी लगा हो, चूंकि शॉप क्रिएट करनी है तो आपका ये शॉपिंग होना चाहिए। मैंने मेरे पेज पे चूंकि पहली शॉप मैंने क्रिएट किया हुआ था तो मेरा जो पेज है वो इस में बाय डिफॉल्ट मेरे पास पेज की ऑप्शन दे रहा है। अब मैं बैक पे चले जाऊंगा थोड़ा सा और मैं क्या करूंगा, जाकर मैं अपनी शॉप को मैनेज करता हूँ। देखिए एक प्रोडक्ट को मैं ऑनलाइन करने लगा हूँ आपकी मौजूदगी में, इंशाल्लाह। मैनेज शॉप पे मैंने सर क्लिक किया और ये मेरे पास इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट को मैं ऐड कर दूंगा। कौन सा प्रोडक्ट, क्योंकि एएम टेक के नाम से है तो अपनी हैंड फ्री के प्रोडक्ट को मैं ऐड करूंगा। ठीक है, अब हैंड फ्री के प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए ज़रा देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। इंटरनेट ज़रा स्पीड अप हो जाए तब तक मैं द्रास की ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि मैं अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे सकूँ। उसकी रीज़न बताता हूँ आपको बाद। वहाँ से एएम टेक ओपन हो गया, यहाँ से मेरा दराज ओपन हो गया। अभी एएम टेक पे वापस आते हैं आगे। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक आइटम को ऐड कर देना है। यहाँ पर एक आइटम को ऐड कर देना है, ऐड वन आइटम। मैं एक आइटम को ऐड करूँगा। ठीक है, मैं कौन सी आइटम को ऐड करूँगा, यहाँ से फाइल को, इमेज को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखता हूँ मेरे पास अगर कोई हैंडसम सी पिक्चर पड़ी हुई है। वैसे तो मैं संभाल के रखता हूँ सारी तस्वीरें बैकएंड पे। मेरा ख्याल इम्पोर्टेंट फाइल्स के अंदर बिजनेस में मैंने रखी है। बिजनेस में दराज का बिजनेस, दराज के बिजनेस में जोनी हैंड्स फ्री, जोनी हैंड्स फ्री पिक्चर्स मेरे पास शायद यहाँ पर अवेलेबल हो। यस, दीज आर अवेलेबल। अब इनमें से भी मैंने पिक्चर 500 बाय 500 पिक्सल की चुननी है तो वो मेरे पास ये है, ये वाली मैं पिक्चर चुन सकता हूँ। मान लीजिए कि मैंने इस पिक्चर को ओपन कर लिया, तो मैं इसको ओपन कर दूंगा। ये पिक्चर मेरी आ गई 500 बाय 500 में, मैंने पहले कन्वर्ट की है। अगर आपके पास 500 बाय 500 में नहीं है तो आप पिक्सल कन्वर्टर में आ सकती हैं। यानी आप इधर टाइप करेंगे इमेज पिक्सल कन्वर्टर, कन्वर्टर तो आपके पास कोई भी इमेज होगी ना, आपने यहाँ पर उसके पिक्सल को चेंज कर लेना है। आपने इमेज को अपलोड करना है, इमेज को अपलोड करने के बाद आपने 500 बाय 500 लिख कर उसको डन कर लेना है। बाय द वे बैक पे आते हैं, यहाँ पर मैं टाइटल लिखूँगा जोनी, जोनी 100% ओरिजिनल एंड फ्री, एंड फ्री। डिस्क्रिप्शन में आगे, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ ना, अपने इस प्रोडक्ट को उठाता हूँ यहाँ से, जोनी हैंड्स फ्री ओरिजिनल। दराज पे काम ना आजकल स्लो हुआ पड़ा है तमाम लोगों का। उसकी रीज़न ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग इस मौसम में थोड़ी कम हो रही होती है। बाय द वे अपनी हैंड फ्री को ढूंढते हैं, ये मिल गई मुझे, मैं इसको ऑन कर लूँगा। इसको ऑन करने के बाद हमने जी क्या देखना है, इसकी डिस्क्रिप्शन को डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने सारी डिस्क्रिप्शन लिख के रखी हुई है, इस डिस्क्रिप्शन को मैं डाउनलोड करूँगा। और कितना डाउनलोड करना है, यहाँ तक कर लेते हैं कंट्रोल सी। तब तक मैं बैक एंड पे देख लूँ वीडियो कितनी बन चुकी है, 4 मिनट की हो चुकी है।
यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब वेबसाइट का लिंक, मेरी चूंकि दराज पे वेबसाइट है तो मैं यही लिंक इनको दे दूंगा, हाउ कुड आई गिव लिंक। मेरा ख्याल मैं बैक एंड पे जाकर इधर से लिंक कॉपी कर सकूंगा। हाँ कॉपी नहीं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लिंक कहाँ पे है ऑन करते हैं, यहाँ से शायद शेयरिंग पे लिंक हमें मिल जाए, ये लिंक यहाँ से मिलेगा। सो मैं यहाँ से क्या करूँगा, लिंक कॉपी करूँगा, यहाँ से भी नहीं हो रहा उतरो, क्या करती हो, पहले मैं लॉगिन हो जाता हूँ, शायद लॉगिन होने की देर है और मैं लिंक हासिल करने में कामयाब हो जाऊँगा। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लिंक पकड़ता हूँ और लिंक मेरे पास आने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, फेसबुक पे वैसे ही शेयर करता हूँ, फेसबुक पे शेयर करते करते ना मुझे मेरे पास लिंक आ जाएगा। तो मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि इस पे भी इन्होंने ना लिंक नहीं दिया, अल्लाह के बंदो, लिंक पे फंसा दिया हमें, थोड़ा सा और बैक पे चलते हैं। ये मिल गया कॉपी लिंक एड्रेस, उसको क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया, अब कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पे क्लिक करेगा वो मेरी हैंड फ्री पे पहुँच जाएगा। अब US डॉलर में प्राइस है तो मैं कहूँगा पाकिस्तानी रुपीज़ होनी चाहिए, और कितनी रुपीज़ की है याद रखें, फेसबुक पे सेल करते करते ना आप महंगी रखा करें प्राइस, चलें 340 लिख देते हैं, क्योंकि फेसबुक के जितने भी कस्टमर हैं वो कहते हैं डिलीवरी फ्री करें। अब 340 की हैंड फ्री है, डिलीवरी भी फ्री कर दें, आपको फ्री में पकड़ा दें हम चीज़। दिस आइटम इज़ ऑन सेल, ये मैंने लिख दिया, सेल प्राइस भी इसकी क्या है 340 है। यहाँ पे आके मैं काम करता हूँ, इसको 500 रख देता हूँ, और डिस्काउंट पे चल रही है, सेल प्राइस कितनी होगी 300। कंडीशन हमारी जी न्यू है, और नीचे चलते हैं ज़रा, कैटेगरी हमारी कौन सी आएगी इसमें, हमारी आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है। वीडियो को ज़रा देख लें, एंड ना हो जाए, अभी 2 मिनट हमारे पास पड़े। अच्छा, यहाँ पर मैंने मोर इन्फॉर्मेशन मुझे अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको फिनिश करना चाहूँगा। अब ये आई होप कि हमारा प्रोडक्ट माशाल्लाह माशाल्लाह कैटलॉग में ऐड हो चुका है। मैं मज़ीद आइटम्स भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी देखता हूँ, यहाँ पर कैटलॉग में एक आइटम ऐड हो गई है, यस एक आइटम आप देखें यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ गई होगी, ये हमारे कैटलॉग में ऐड हो गई है। हमारे यहाँ ये इस तरह दिखेगी और कस्टमर के लिए किसी ये और शेप में दिखेगी। आप ज़रा सारे मेरे पेज पर जाकर दिखाएं आपको ये किस शक्ल में नज़र आ रहा है। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसी तरह आप नए भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक और प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, उसको लॉन्च करने के बाद एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर दूँगा, नया काम, नया टाइटल, नया टैग, वेबसाइट का नया लिंक। सो दिस इज़ हाउ वी कुड डू दिस टास्क। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।